फोर्सेज वहाँ डिप्लॉय किया है और मेरठ जोन और आगरा जोन पे हमारी विशेष नज़र है और हमने इंटेंसिव पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है, पिकेट्स लगाया है हमने, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया है, काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार हुए, उन्हें जेल भेजा गया है और अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी यदि कोई कानून अपने हाथों में लेगा। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं, नहीं कोई फेलियर नहीं हुआ है, ये पूरे देश में चला है, सभी राज्यों में आपने देखा होगा, आज अखबार में देखा होगा कि कई राज्य इससे प्रभावित हुए हैं और उत्तर प्रदेश भी इसमें प्रभावित हुआ है। हम लोगों ने, पुलिस बल ने जगह जगह जाकर लोगों को शांत किया, उनको कंटेन किया, जहाँ ज़रूरी हुई वहाँ लाठीचार्ज किया, आगजनी की घटनाओं में और इस प्रकार की घटनाओं में जो भी इन्वॉल्व रहे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। जी हाँ बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अभी व्यवहार है उससे और भी अच्छा व्यवहार हो और इसीलिए हमने सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग शुरू की है। हमारी व्यवसायिक दक्षता जो है दोनों फ्रंट पे होनी चाहिए, जहां हम अपराधियों के साथ सामना करें और जो जिसमें हम काफ़ी कामयाब हुए हैं, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि थाने पे जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनका व्यवहार इतना अच्छा हो कि हम जनता का विश्वास जीत सकें, और यही कारण है कि मैंने कहा कि व्यवहार में और भी अच्छाई लाने की और भी सुधार करने की जरूरत है।